हेलो यूट्यूब यूनिवर्स, मेरा नाम है स्वप्निल और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर एक्सप्लोरर स्वैप। तो एक वेडिंग के सिलसिले में मैं आया हूँ महाराष्ट्र के ऐसे प्रांत में जो पूरे साल हरियाली से भरा हुआ रहता है। मैं आया हूँ कोकण के मालवण में। जैसा आपने इंटरव्यू में देखा, इस ट्रिप में मैंने 4 स्पॉट्स कवर किए हैं, जिसमें से यहाँ के एक प्राइवेट बीच के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले, इस चैनल पर नए हो या पुराने हो, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना और मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करना, जहां मैं यूजुअली पिक्स, रील्स, इंट्रो वीडियोस, मिनी लॉग्स, एनालिटिक्स जैसी चीज़ें डालते रहता हूँ। और इससे पहले मैंने माथेरान का एक डिटेल वीडियो अपलोड किया है, उसे भी ज़रूर देखना, बट इस वीडियो के बाद। तो ये मालवण में का एक गाँव है और इन गाँव वालों का ये एक प्राइवेट बीच है। ये प्लेस चिवड़ा बीच, रॉक गार्डन और सिंधुदुर्ग फोर्ट के बीच में है। ये सारे प्लेसेस यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पर है। सो ये गांव है इनका और यहाँ पे काफ़ी सारे घर है और इस गांव का ही, गांव के ही सामने एग्जैक्टली बीच है। तो मैं अभी आया हूँ मालवण में एक फ्रेंड के वेडिंग के सिलसिले में। मालवण में चिवड़ा बीच के लोकेशन पर मैं हूँ और ये लोकेशन तारकरली से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और यहीं से सिंधुदुर्ग फोर्ट भी दिखता है। तो मुझे अगर पॉसिबल हो तो सिंधुदुर्ग फोर्ट भी मैं एक्सप्लोर करूँगा। फिलहाल मैं हूँ बीच पे, जो एक इन गाँव वालों का प्राइवेट बीच है। तो आज हल्दी है, उसकी सुबह मैं यहाँ पर बैठा हूँ, चिल कर रहा हूँ और यहाँ पर वाटर काफ़ी क्लीन है और ब्लूइश उसको टोन आया हुआ है। तो इस बीच की एक साइड रॉक्स से भरी हुई है तो दूसरी साइड प्रॉपर रेत वाला बीच है, तो अब हम वहाँ जाते हैं। ये एक हिडन बीच है, इसके बाजू में चिवड़ा बीच है जो काफ़ी पॉपुलर है, बट इस बीच के बारे में काफ़ी कम लोगों को जानकारी होगी। ये गाँव वालों का प्राइवेट बीच ज़रूर है बट यहाँ टूरिस्ट आ सकते हैं, उन्हें पाबंदी नहीं है। यह पानी क्रिस्टल क्लियर है, यह इतना साफ है कि पानी के अंदर की रेत क्लियरली दिखती है। इस लोकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हो तो आ सकते हो। कोकण को 720 किलोमीटर लंबाई का समुद्री तट मिला हुआ है। मालवण कोकण के सिंधुदुर्ग जिले में का एक प्रदेश है। यहाँ का तारकरली बीच खास वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। सिंधुदुर्ग फोर्ट इतिहासकारों के लिए मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। इस इलाके में खासकर फिशिंग होती है और आम के सीज़न में यहाँ का हापुस आम काफ़ी प्रचलित होता है। इन सारी बातों में मुझे जो सबसे खास लगा वो था यहाँ के समुद्र का पानी। ये बहुत ही साफ था और इसके ब्लू स्टोन से मानो मालदीव्स या अंडमान के बीच जैसा एहसास हो रहा था। शाम के समय हम फिर बीच के रॉक साइड गए, जिसमें मेरे साथ कुछ दोस्त भी थे और उनमें से एक दोस्त के पास ड्रोन था। सो गाइज, इस चैनल पर आपको फर्स्ट टाइम ड्रोन शॉट्स देखने मिलने वाला है। पिछले साल भी मैंने कोकण विजिट किया था, जिसमें मैंने मोती तालाब, नेचुरल स्विमिंग पूल, हिडन क्लिफ पॉइंट, कोकण के बीचेस, आर्ट गैलरी और लाइट हाउस जैसे प्लेसेस विजिट किए थे। उन सब वीडियोस की प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इस वीडियो के बाद उन्हें भी देख सकते हो। सो दैट्स इट गाइस अबाउट दिस वीडियो, आप यहाँ डेफिनेटली विजिट करना। इसके बाद मैं सिंधुदुर्ग फोर्ट, चिवड़ा बीच और रॉक गार्डन गया था, जिनके वीडियोस एक के बाद एक आने वाले हैं। ये अनएक्सप्लोर्ड प्लेस अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करना और इन वीडियोस को भी देखना जो अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।